सेक्शन 96 से सेक्शन 106 प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं। सेक्शन 96 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 96 कहता है कि ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए किया गया हो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेने की प्रिविलेज दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज कि पर्सन का किया गया एक्ट ऐसे किसी पर्सन के अगेंस्ट हो जिसने उस पर पहले अटैक किया हो, और दूसरा उस पर्सन को हार्म होने का डर हो। नेक्स्ट इज सेक्शन 97 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड द प्रॉपर्टी। सेक्शन 97 में ये बताया गया है कि सेक्शन 99 के रेस्ट्रिक्शंस को कंसीडर करते हुए हर पर्सन को अपनी बॉडी को डिफेंड करने का राइट है, साथ ही पर्सन को किसी और की बॉडी को भी ऐसे एक्ट से डिफेंड करने का राइट है जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर एट्सेट्रा। इस सेक्शन के अंडर एक पर्सन को प्रॉपर्टी को थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास से बचाने का भी राइट दिया गया है। नूर मियां के केस में अलग अलग हथियारों के साथ कुछ लोग एक्यूज पर अटैक कर देते हैं। एक्यूज खुद को बचाने के लिए उनमें से एक अटैकर का हथियार छीनकर उस पर वार करता है, जिससे अटैकर की डेथ हो जाती है। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि एक्यूज के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट था, भले ही जिस समय एक्यूज ने वार किया उस समय अटैकर के पास कोई हथियार नहीं था, तो भी उसका ये एक्ट प्राइवेट डिफेंस के अंडर ही आएगा। सेक्शन है सेक्शन 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा। सेक्शन 98 के अंदर बताया गया है कि ऐसा कोई एक्ट जिसे किसी ऐसे पर्सन ने किया हो जो या तो उस एक्ट को समझने के लिए इनफ मैच्योरिटी नहीं रखता, अनसाउंड माइंड का है, उस एक्ट को करते समय वो इंटॉक्सिकेटेड था या उसे कोई मिसकंसेप्शन हुआ था, तो ऐसे पर्सन का किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाता। पर सेक्शन 98 ये कहता है कि ऐसे किसी पर्सन के करे गए एक्ट के अगेंस्ट भी बिल्कुल उसी तरह सेल्फ डिफेंस का राइट मिलता है जो कि तब मिलता जब उस पर्सन का किया गया एक्ट सच में एक ऑफेंस होता। मतलब एक पर्सन को प्राइवेट डिफेंस का राइट है, चाहे उसके अगेंस्ट किया गया एक्ट कोई ऑफेंस हो या ना हो। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ए रात में अपने घर आता है, जेड उसे देखकर ये सोचता है कि वो कोई घुसपैठ है और उस पर अटैक कर देता है। यहाँ जेड ने अच्छी नीयत से एक मिसकंसेप्शन के चलते ए पर अटैक किया था, इसलिए जेड का एक्ट ऑफेंस नहीं है। पर यहाँ पर ए को भी जेड के अगेंस्ट अपने प्राइवेट डिफेंस का राइट है, भले ही जेड का किया एक्ट कोई ऑफेंस हो या ना हो, पर ए के पास प्राइवेट डिफेंस में एक्ट करने का राइट रहता है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 99 एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 99 प्राइवेट डिफेंस के राइट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है और ऐसी कुछ सर्कमस्टेंसेस की बात करता है जिनमें प्राइवेट डिफेंस नहीं लिया जा सकता। फर्स्ट इज अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी पर्सन के साथ ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे कि उस पर्सन को डेथ होने या गंभीर चोट आने का कोई खतरा नहीं होता, और पब्लिक सर्वेंट ये एक्ट अच्छी नीयत से अपनी ऑफिस अथॉरिटी के अंडर कर रहा होता है, तो ऐसे में पब्लिक सर्वेंट के एक्ट के अगेंस्ट कोई भी प्राइवेट डिफेंस नहीं लिया जा सकता, भले ही उसका एक्ट स्ट्रिक्टली लॉ से जस्टिफाइड ना हो। ये एक थंब रूल है। सेकेंड इज अगर कोई एक्ट पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में भी होता है जिससे डेथ या कोई भी ग्रीवियस हर्ट का डर ना हो और पब्लिक सर्वेंट इसे अच्छी नीयत से अपनी ऑफिस अथॉरिटी के अंडर कर रहा हो, तो भी ऐसे एक्ट के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। थर्ड इज अगर कोई पर्सन अपने डिफेंस के लिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हार्म कॉज कर देता है, तो भी ऐसा एक्ट प्राइवेट डिफेंस के अंडर नहीं आएगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेने के लिए डिफेंस में किया गया एक्ट जस्टिफाइड होना चाहिए। एंड द फोर्थ इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उन केसेस में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जब एक पर्सन के पास पब्लिक अथॉरिटीज से प्रोटेक्शन लेने का पूरा समय होते हुए भी वो ऐसा नहीं करता है
और खुद से एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल MGA नंदा केस में एक इंस्पेक्टर एक आम स्मगलर का पीछा करता है और जब इंस्पेक्टर उसके पास आने लगता है तो वो स्मगलर को रुकने के लिए ऑर्डर देता है और उसे डराने के लिए दो बार अपनी रिवॉल्वर से गोली फायर करता है। ऐसे में स्मगलर अपनी तलवार निकालता है और इंस्पेक्टर की थाइस पर उससे वार कर देता है। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि स्मगलर का किया गया एक्ट प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड नहीं करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस तब नहीं लिया जा सकता जब डेथ या गंभीर चोट का खतरा ना हो, पर इस केस में इंस्पेक्टर का गोली चलाते हुए एक्यूज्ड के पास आना इस बात की चेतावनी थी कि एक्यूज्ड की या तो डेथ हो सकती है या फिर उसे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, इसलिए एक्यूज्ड का किया गया एक्ट जस्टिफाइड था। स्टेट ऑफ MP वर्सेस मिश्रीलाल के केस में एक्यूज पार्टी और प्रोसिक्यूशन पार्टी के बीच फाइटिंग हो रही थी, तभी एक्यूज के फादर को 5 इंजरीज हो गईं, जो कि उनकी लाइफ के लिए डेंजरस थी। अपने फादर की कंडीशन को देखते हुए एक्यूज ने डेंजर को समझा और सेल्फ डिफेंस में उस समय गोली चला दी। कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस में ये नहीं कहा जा सकता कि एक्यूज ने अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सीड कर दिया है। Now, the next section is section 100. When the right of private defense of the body extends to causing death. Section 100 ये बताता है कि किन-किन conditions में अपने private defense में किसी की death भी करी जा सकती है। ऐसा 7 circumstances में किया जा सकता है। जैसे कि suppose अगर कोई चाकू या तलवार हाथ में लेकर उस person की ओर बढ़ता है, तो ऐसे में पर्सन अपने आप को बचाने के लिए अटैकर को मार सकता है। सेकंड इज अगर पर्सन को हमले से किसी गंभीर चोट के होने का भी डर मिलता है तो भी वो डेथ कॉज कर सकता है। थर्ड इज अगर कोई किसी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है तो भी लड़की को पूरी छूट है कि वो रेपिस्ट की डेथ कर सकती है। लड़की के अलावा कोई और पर्सन भी उस लड़की को बचाने के लिए रेप का इंटेंशन रखने वाले व्यक्ति की डेथ कर सकता है। फोर्थ इज अननेचुरल लस्ट। अगर कोई अपनी अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए असॉल्ट करता है तो भी अपने बचाव में डेथ कॉज करी जा सकती है। फिफ्थ इज किडनैपिंग और एबडक्शन। अगर कोई किसी पर्सन को एबडक्ट कर लेता है तो भी वो पर्सन खुद को बचाने के लिए एबडक्टर को मार सकता है। सिक्स्थ इज अगर किसी पर्सन को गलत तरीके से कहीं बंद कर दिया जाता है और उसे ये लगने लगता है अब वो बचने के लिए पब्लिक अथॉरिटीज के पास मदद लेने भी नहीं जा सकता, तो ऐसे में भी वो पर्सन अपने बचाव में असॉल्ट करने वाले की डेथ कर सकता है। सेवेंथ इज एसिड अटैक। ये इस सेक्शन में एक न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोविजन है जिसमें एसिड अटैक का खतरा सेंस करने पर कोई भी लड़की अपने बचाव में अटैकर की हत्या कर सकती है। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ UP के केस में हस्बैंड अपने फादर इन लॉ के घर अपनी वाइफ को लेने के लिए जाता है, पर फादर इन लॉ उसे वाइफ को ले जाने से मना कर देते हैं। ऐसे में हस्बैंड जोर जबरदस्ती से वाइफ को बिना उसकी कंसेंट के ले जाने की कोशिश करता है। जब उसका भाई ये सब देखता है तो वो अपने ब्रदर इन लॉ पर चाकू से वार कर देता है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक्यूज्ड को प्राइवेट डिफेंस में अपनी सिस्टर को डिफेंड करने का राइट था और उसका ये राइट डेथ कॉज करने तक एक्सटेंड हो गया। रामा वर्सेस स्टेट के केस में दो भाइयों में काफी समय से झगड़ा चल रहा था। एक भाई दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे हैरेस किया करता था। जिस रात ये इंसिडेंट हुआ तब दोनों के बीच हाथापाई हो गई। डिसीज्ड ने एक्यूज्ड को बहुत बुरी तरह मारा और उसे जमीन पर गिराकर गला दबाते हुए ये धमकी देने लगा कि वो उसे आज जान से मार देगा। इसलिए एक्यूज ने अपने प्राइवेट डिफेंस में जमीन पर पड़ा हुआ एक हैमर डिसीज्ड के सर पर मार दिया जिससे उसकी डेथ हो गई। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि एक्यूज ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड नहीं किया है। नेक्स्ट इज सेक्शन 101। व्हेन सच राइट्स एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। सेक्शन 101 में ये बताया गया है कि अगर कोई ऑफेंस सेक्शन 100 में बताए गए ऑफेंसेस में से एक ना हो तो ऐसे केसेस में अपने प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज नहीं करी जा सकती।
पर इन केसेस में डेथ से कम कोई भी दूसरा हार्म पहुंचाया जा सकता है। मोहिंदर पाल जॉली वर्सेस स्टेट के केस में फैक्ट्री के वर्कर्स ईंटें फेंकने लगते हैं। ऐसे में फैक्ट्री का ओनर वर्कर्स पर अपने रिवॉल्वर से गोली चला देता है और एक वर्कर मर जाता है। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि फैक्ट्री ओनर को प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिल सकता। सिर्फ ईंट के फेंकने से डेथ या किसी ग्रीवियस हर्ट का खतरा नहीं होता है। इससे बचाव के लिए डेथ कॉज करने के अलावा और भी रास्ते अपनाए जा सकते थे, पर फैक्ट्री ओनर ने वर्कर को गोली मारकर प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सीड कर दिया। नेक्स्ट इज सेक्शन 102, कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। सेक्शन 102 ये बताता है कि किसी पर्सन का प्राइवेट डिफेंस का राइट तभी से शुरू हो जाता है जब उसे किसी थ्रेट या किसी ऑफेंस के अटेम्प्ट से ये डर मिलने लगे कि उसकी या किसी की बॉडी को हार्म किया जा सकता है, इवन दो सच में ऐसा ऑफेंस ना हुआ हो। और उस पर्सन का ये राइट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक उसका ये डर खत्म नहीं हो जाता। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज सेक्शन 103। When the right of private defense of property extend to causing death, section 103 ये बताता है कि कब एक person right of private defense of property को exercise करते हुए death cause कर सकता है। Right of private defense of property के under death cause भी की जा सकती है अगर person के against offense इन चार offenses में से एक हो। पहला robbery के केस में, दूसरा अगर उस पर्सन के घर रात में चोरी छुपे कोई घुस जाता है तो भी वो ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है, तीसरा अगर कोई उस पर्सन की रहने की जगह जैसे कि कोई बिल्डिंग या उसके टेंट में आग लगाता है या जहां उसकी प्रॉपर्टी हो ऐसी जगह आग लगाता है तो भी पर्सन सेल्फ डिफेंस में रॉन्ग डूअर की डेथ कॉज कर सकता है, चौथा अगर कोई घर या प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के ट्रेसपास करता है जिससे पर्सन को डेथ या ग्रीवियस हर्ट का डर मिलने लगता है तो भी ऐसे केस में वो रॉन्ग डूअर को मार सकता है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 104, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। ये सेक्शन कहता है कि अगर पर्सन की अगेंस्ट ऑफेंस सेक्शन 103 में बताए गए ऑफेंसेस में से नहीं हो जिनसे जान जाने या गंभीर चोट का खतरा नहीं होता तो ऐसे केसेस में किसी की डेथ नहीं करी जा सकती, पर डेथ से कम कोई भी दूसरा हार्म पहुंचाया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 105, कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि पर्सन का प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का राइट तभी से शुरू हो जाता है जब उसे प्रॉपर्टी के डेंजर में होने का डर मिलने लगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ऐसा ऑफेंस सच में कमिट हुआ हो या नहीं हुआ हो, पर वो पर्सन अपने डर के बेसिस पर प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर सकता है। एक पर्सन का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी तब तक रहता है जब तक, फर्स्ट थेफ्ट के केस में ऑफेंडर पर्सन की प्रॉपर्टी में मौजूद हो, पर्सन को पुलिस असिस्टेंस नहीं मिली हो या उसकी प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हुई हो, सेकंड रॉबरी के केस में अगर ऑफेंडर जान से मारने की या गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो तो ऐसे में जब तक पर्सन का ये डर बना रहता है तब तक वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सरसाइज कर सकता है। क्रिमिनल ट्रेसपास के केस में पर्सन ये राइट तब तक एक्सरसाइज कर सकता है जब तक ट्रेसपासर या घुसपैठ उसकी प्रॉपर्टी से चला न जाए और अगर उसे रोकने के लिए पर्सन को प्राइवेट डिफेंस में वायलेंस भी करनी पड़ती है तो वो भी जस्टिफाइड है। अमजद खान वर्सेस स्टेट के केस में एक सिटी में दंगे हो रहे थे। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की भीड़ एक्यूज्ड की शॉप को घेरे हुए खड़ी थी और उस शॉप के दरवाजे पर लाठियां बरसाने लगी थी। ऐसे में एक्यूज्ड ने अपने बचाव में भीड़ पर गोली चला दी जिससे एक व्यक्ति की डेथ हो गई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक्यूज ने जो किया अपने प्राइवेट डिफेंस की राइट को एक्सरसाइज करते हुए किया। इस केस में एक्यूज भीड़ के दरवाजा तोड़कर अंदर आने तक का वेट नहीं कर सकता था। भीड़ के दरवाजे को लाठियों से पीटते समय ही उसे ये रियलाइज हो गया था कि अगर उसने इंस्टेंट एक्शन नहीं लिया तो भीड़ किसी भी समय अंदर घुस सकती है और उसे और उसकी फैमिली को जान जाने का खतरा हो सकता है।
सेक्शन 106, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी के अगेंस्ट कोई ऐसा असॉल्ट होता है जिससे डेथ का खतरा हो और उस पर्सन की सिचुएशन इस तरह होती है कि उसके प्राइवेट डिफेंस में एक्ट करने से किसी इनोसेंट पर्सन के हार्म होने की रिस्क हो सकती है, तो भी इस सेक्शन के अंडर उस पर्सन को ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस में एक्ट करने का राइट है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन पर भीड़ अटैक कर देती है, उस भीड़ में इनोसेंट बच्चे भी शामिल होते हैं। अब अगर पर्सन अपने प्राइवेट डिफेंस में उस भीड़ पर गोली चलाता है तो उसके गोली चलाने से किसी बच्चे के इंजोर होने की भी रिस्क है। पर्सन का ये एक्ट प्राइवेट डिफेंस के अंदर ही आएगा। Hey guys, thank you for watching this video till now. If it was helpful to you, then do like and share this video. Also, don't forget to give your reviews in the comment section below. If you are new to our channel, then do subscribe and press the bell icon for more amazing legal updates. This is the Wisdom Maniac. We will catch you in the next video. Till then, bye bye.